सुनो 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 गाँव वालों सुनो, करोड़पति बनने का बहुत सुनहरा मौका है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो भूत वर्तमान भविष्य बता दे उसे भुरभुरी नाथ कहते हैं। हेलो, हाय मालिक। मजदूर सब काम करत है? हाँ हाँ करत है। अरे ए, 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 अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी की टिंगुरा उंगुरा लाग है हथवा में। काम करे ना कहो, खाली खाए कहो। अरे मालिक, जब से आया हन तब से कमावे तो करी थे, देखो अतना कुलिया गोड़ डारे हन लगे हन। ए गोड़ा हो हाली हाली देखो तो भैया, इतना काम करा जाते तब आए के मूड खड़ा भबरा है बिल्कुल। ई काम हमरे इनके थोड़े हुए, मैंने इतना बढ़िया पंडिताई करत रहे, लालच में आए के फंस गए। लालच में पड़ी गए भैया, नसीब खराब रहा मान लोगन। अरे आपस में का खुसर पुसर करे हो, बरबरात का है या कब कल्ला अगर कट गया गन्ना का है तो खाल उधेड़ ले भाई, हम जानत नहीं हो। अरे मालिक, अरे का गुस्सा था, कोनो में मजूर हुए कि जोन गन्ना गुआड़े जानते हैं। अरे एक साल में कोनो मेरु नहीं सिखाई पावा है, और चार छह दिन के बात है फिर वही चला जाई है। तब और छह दिन के बात है? अरे एक साल पोर हो वाला है मालिक, चार दिन बचा देखो। नहीं दस दिन है, दस दिन है। तब ये बताओ कल्लू, दस दिन में अगर ये चला जाये है तो फिर काम कैसे हुई भाई? अब दस दिन में चला जाए तब काम कैसे हुई? अब सुनो सुनो, ये काम करो, फिर से जाओ तू डुग्गी पीटो, डुग्गी पीटो पूरे इलाका में, फिर से मजूर बटवा जी। जब तक आदमी लालची है ये दुनिया में, तब तक हमार काम फ्री में ही हुई, तो बस जाओ डुग्गी पीटो। मालिक ऐसा जान रहा हो कि अपने गाँव में ना करो, अपने गाँव में आस पास कर थो तो दो या चार आदमी मिल पाओ थे साल भर में। ऐसा है आपके पूरा जिला जमार जतना एरिया है सब जगह कहिया ही। ठीक है, तू जाओ हर जगह, बस काम तुहार है दो दिन के अंदर कंप्लीट हो चाहिए। हाँ। तीन दिन के बाद हमें कम से कम 100-200 मजूर चाहिए। अरे बस मालिक तुरंत ही मिले, चलो चला जाए तब अब आगे खेत देखो। हाँ। और लेबर का आओ, करता आओ, है चलो। हाँ। ए, सुन ले, ये पूरा खेत गोड़ जाए चाहिए गन्ना संजा भरे हम, नहीं तो जान ले फिर हमसे बुरा कोई है नहीं, समझते हो बात का। चलो कर लो मोटाई तो मालिक इनके लोग के वैसे भी बहुत। प्याज वाला काम पूरा हो गया, प्याज वाला खोदा मंडी पहुँचा दी। सुनो 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 गाँव वालों सुनो, करोड़पति बनने का बहुत सुनहरा मौका है। सुनो 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 सुनो, जो हमारे सरपंच जी का दिमाग पढ़ के बताएगा उसको हमारे सरपंच जी अपना पूरा संपत्ति और अपना सरपंच जी का पद उसको देंगे। सुनो 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 गाँव, जल्दी जल्दी लाओ कि वही लाग रहा बो। काम करेगा ना कहो, काम करेगा ना कहो तुम्हें लोगन, बस खाली भोजन दिया तसला भर भर के। सुबह से बेगारी करवा रहा हो कल्लू, आई गयो मालिक आ गयन पूरा ये एरिया जिला जवान में कोनो गांव बचबे नहीं करा जहां ना गयन हुए। अब सबका बता दिया, हो सका था कि आदमी अब आवे लग गए। अच्छा हाँ ठीक है, चलो भाई बैठे थे और कहा तो सबका दे दे, जितना जिन्हें बटुरा करी है उनका इकट्ठा करो, फिर एक साथ है पेश क्यों सबका। का भा, का भा भाई इटवा रखते हो ना इधरिया, काहे नहीं रखत हो? अरे इटवा यार तो ढोएगा उधर से। हाँ, उधर तो इधर कह दो फिर दोबारा। मालिक का है इतना मेहनत करवाओ तो बिना मतलब के है? एक बाजी यार से यार करवायो, अब कहा तो यार से यार करो, का मतलब है यार से यार करे? जबान लड़ाओ तो जबान लड़ाओ, बांध के मारो कल्लू, बांध के मारो। छत पर रख के छत से नीचे धरो, ठीक है? पहले यहाँ करवाओ दो बाद छत पर चढ़वाए थे। चलो भोजन पानी को ले आओ, सारा संपत्ति ले आयो रहा तब ना जानी न। हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रोजाना कुछ ही मिनटों में कैसे 3,000 रुपए तक कमा लेता हूँ। ये वीडियो इसीलिए लेकर आया हूँ, तो ये आप मेरे स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं कि मैंने कितने रुपए कमाए हैं यहाँ से। सो गाइस, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बिना इन्वेस्टमेंट किए यहाँ पैसे कमा सकते हो, बिना एक भी पैसा लगाए। सो गाइस, जैसे ही यहाँ आप मोबाइल नंबर बाइंड करोगे आपको 41 रुपीज का वेलकम बोनस मिलेगा। सोचिए हर रेफर में 100 रुपए दे रहा है तो आप यहाँ से कितना कमाई कर सकते हो। सो गाइस, मैंने यहाँ से कैसे कमाया है आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ से कैसे कमाई की है। सो गाइस, मैंने एप्लीकेशन ऑन कर लिया और यहाँ पे रजिस्टर कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली बोनस है यहाँ पर। यहाँ पर कोई रिचार्ज करवाता है तो डेली बोनस मिलेगा। रिबेट्स टू बिन बिलियन वाला
यहाँ पे आपको डेली मंगलवार को रिसीव होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने वॉलेट में 3000 रुपए का डिपॉजिट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा इंडियन यूपीआई आईडी खुल चुका है, तो यहाँ पर मैं फोन पे से कर देता हूँ। ये देखो मैंने फोन पे से कर दिया 3000 रुपए। सो गाइस मैंने यहाँ पे गेम स्टार्ट कर दिया है ड्रैगन वर्सेस टाइगर। यहाँ पर मैं पहला बेट लगाऊंगा टाइगर के ऊपर 10 रुपए। सो गाइस मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ और यहाँ पे मैं टाइगर पे लगाऊंगा 50 रुपए। और ये देखो मैं फिर से जीत चुका हूँ। सो गाइस मैं यहाँ पे टाइगर के ऊपर 100 रुपए लगा, 100 रुपए लग गया और फिर देखो मैंने जीत लिया है। सो गाइस यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैं फिर से 1000 रुपए लगा रहा हूँ और ये देखो मैं फिर से जीत गया। सो गाइस यहाँ पर जीतने के बाद मैं इस पैसे को विड्रॉल मार लेता हूँ और मैं यहाँ से 5000 रुपए विड्रॉल करूंगा और ये देखो मेरा विड्रॉल हो गया है। तो गाइस अगर आपको ये गेम पसंद आया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी जाइए यहाँ पर खेलिए और खूब सारे पैसे कमाइए। कल्लू मालिक सब लोग आएंगे विद्वान लोग? अरे सब बाहर लाइन लगाए खड़ा है, एक आदमी का अंदर बुलाई थे, मैं आवत है। अच्छा अच्छा ठीक है आवे दो। आपकी बहुत जबरदस्त काम ले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। परिचय दीन जाए। सेठ जी हम काशी विश्वनाथ से आए, श्री श्री 108 ढेला पंडित, हम बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हन, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ 5 मिनट में बता दिया। आदमी मनमा का सोचा थे तो बहुत छोटी बात है। ये सरपंच जी लागत है गवा कुर्सी तहार, बहुत जानकार पंडित है, जान लो सरपंच कुर्सी और जतरा संपत्ति है सब तहार गवा। अरे रुको कल्लू, हमारे दिमाग के आगे बड़े बड़े फेल हो गए, कुछ लगाई थे, रुको। नहीं नहीं लगाओ कुछ। तो पंडित जी आपका शर्त पता है? बिल्कुल पता है सेठ जी। अब शर्त आपका यही है कि आपके मन में का चलत है जे बताई दी, वह का अपन सारा संपत्ति आप दे दे, वो सरपंची वाला कुर्सी मिल जाए। और दूसर शर्त? दूसर शर्त? अरे सरपंच जी दूसर शर्त तो कुछ हमें बतावा नहीं गवा, एक चीज बतावा गए वो हमें पता है। देखो पंडित जी दूसर शर्त हमारी है कि अगर हमरे मनमा का चलत है ना बता पायो तो आपका 1 साल तक हमरे खेत में मजदूरी करे पड़ी, वो भी फ्री में। अरे ये शर्त तो सरपंच जी आप बतावे नहीं गा रहा, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। अरे समझो ये धरती के ब्रह्मा हम ही है। अरे सरपंच जी कौने सोच में पड़ गवागा, अरे ये संसार में का घट रहा है, का घटी और का घटे वाला है सब हमें पता है, इतना हम ज्ञाता हन कि हमसे कुछ बचे नहीं है। देखो जब आदमी के पितर पक्ष में श्राद्ध होत रहा वैसा ही भगवान हमें हिया भेजिन्हा। हाँ अच्छा अच्छा तो ये बताओ महाराज, हाँ जब आप इतना ज्ञानी पुरुष हो महापुरुष हो तो आपका इस सरपंच के छोटी कुर्सी के कौन आवश्यकता है? देखो सरपंच जी हमारे ज्ञान का ये दुनिया सम्मान नहीं कर पाई, वो हमें समझ नहीं पाई कि हम चीज का हन, तो हम ये सोचित है पहले कुछ छोटे सीढ़ी से स्टार्ट करी, जैसे ही सरपंच के कुर्सी आप ले तब लोगन का दिखाई कि हम चीज का हन। वैसे तो बने हमें प्रधानमंत्री है लेकिन छोटा से स्टार्ट करा चाहिए थे। कल्लू मालिक देखा तो कितना लालची पंडित है, हाँ। ज्ञानी होते हुए भी केवल अपने फायदा के बात सोचा था, इन्हें तो देश समाज के उत्थान के बारे में सोचना चाहिए। अब ये आए हैं सरपंच बने वो संपत्ति ले। अरे मालिक अब उन्हें 1 साल गन्ना गोड़े खे हमारे तहार और गाय भैंस खवावे खे, तब चाहे जोन बोले सुना करो, कौन दिक्कत है? वह का देखो लालच नाम पतन जोन कहा था वही है। तो ऐसा है महाराज, हाँ अब शुरू की जाए तो हम अपने मन में एक बार सोचित है और आप हमें बतावा जाए। जरूर जरूर बिल्कुल सोचा जाए, बिल्कुल निश्चिंत रहो, तो मिनट का खेल है आपका, इधर चुटकियों में ऐसे बता दे। देखो ऐसा है महाराज, हैं हम सोचे से पहले एक बार आपका सोचे के मौका और देते हैं, अगर आप बता ना पायो तो फिर आप जाए ना पाइबो, कौनो भी यतन कर लो निकल ना पाइबो, हमारे पास आदमी बहुत है। देखो सेठ जी ऐसा है, अब आप बहुत बड़ा हो, आपके सम्मान है, यही ठीक है ना, आप समझो आप पंडित का बहुत बड़ा निरादर करतो, मतलब शक करतो हमारे ऊपर अपना ज्ञानी पंडित के ऊपर। नहीं नहीं महाराज वह कहा जैसे भाई गन्ना गोड़े करे लाहे मसूरी धान गेहूँ सब काटे परी गाय गोबर बहाव करी तो सब जानिया रहो पहले। नहीं तो सब अपने शक्ति से कह दे, हमें कुछ करे जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है और का, तब ठीक है महाराज अब हम अपने मन में एक बात सोचित है। पंडित जी का देख के बूढ़ो की याद आवत है, जो हमारे बचपन में बूढ़िया बार बेचे आवत रहा, आज शाम का कल्लू से बुढ़िया एक बार मंगाई और खूब भर पेट खाई, बहुत मन कहा था हमारे बुढ़िया एक बार खाए। ठीक है पंडित जी अब हम का मन में अपने सोचन बतावा जाए। अरे सरपंच जी तू बहुत बड़ा पेटहा हो, तू चला गया अपने बचपनी में, तू ये सोचत रहे हो
कि ऐसा बहुत दिन होएगा हम बुढ़िया के बार नहीं खावा है तो कल्लूक से ओका मंगाई शाम के यहाँ। अरे मालिक, अरे जोन बताई तो उनका सही सोचत रहे हो? अरे बिल्कुल सही सोचत रहे, कल्लू तो बड़ा पहुँचा हुआ आदमी, बहुत विद्वान पंडित लागत है। तो वह अरे हम यह का देखन तो एक बुढ़वा पहला गांव में बुढ़िया के बार बेचा होता वह याद आएगा, तो सोचा कि बहुत दिन होगा खावा नहीं, वह संजक भर पेट मंगाए खावे और लो साफो साफ बताए दी। कल्लू ये बताओ यह का मजूरी पर रखब ठीक है, कहूँ यश ना हो कुछ उल्टा सीधा कह दे अपने मंत्र से। बाय मालिक, चार दिन गन्ना खोली है, अब ज्यादा बोली है तो मुंगरा जोन मंगाए ना, वहाँ पैरी बस सब इनका ज्ञानी वानी पन सब गायब हो जाये, वह दो पंडित गन्ना गुड़ा था। चलो ठीक है और कहा तब। अरे सोचत कहो सेठ जी, अब कुर्सी छोड़ो और इस सब पूरा संपत्ति हम मैं दे बैठा का करता हूँ, नौकर भी हम मैं दे छाता लगा लिए। अरे पंडित जी रुको रुको, ये कवन बात तू बता दो जूबा, बुढ़िया के बार तो हमें पसंद है नहीं, कब दो खाबे नहीं किन। अरे तुम्हें देख के तो हम अपने ससुर जी के बारे में सोचे लागे, ऐसे तोरे जैसे रहे बैठा बासी खात रहन, रिसियाए गए कि अंगूठी दियो, कहीं अंगूठी ना दे पे खाए खोए खाओ ने अपने घरे जाओ, अब भैया जवन दिस लाख की मन कैसे उठा पटक दी वही चितराए जाए, लेकिन कुछ कह नहीं पाए, आज तुम्हें देखे फिर वह खून हमारे खाऊ लिखा उनके ऊपर। तो हम ये सोचते रहे कि बुढ़िया के बार कल्लू अब लाई जाओ इनका महाराज का, अपन लगाओ काम में धामे पावर का। अरे सेठ जी हम बिल्कुल सही बता ने, हमार जबान का भाव गलत भबे नहीं की तब तक। तो सरपंच जी झूठ बोलता है का, झूठ बोलता है नहीं, ठीक है ठीक है, आप सही कहा थो, कौनो सबूत दो हमें कि सही है ये बात। सबूत तो कौनो नहीं है, तो जब सबूत नहीं है तब झूठ बोलो तो सबूत कहाँ से रही है, सच्चाई के सबूत है। कल्लू में बुढ़िया के बार पसंद है। अजब मालिक हमारे तो लौंडा कपने भेज दे ननियौरिया आज तक लाया ना, खाली एक दिन गांव बेचा आवा रहा वो खाई ले तो खरीद ले चकरे हो जाते, बुढ़िया के बार से बड़ी नफरत हम। चलो ठीक है कोई बात नहीं, सब तो हार गए। चलो ये बताओ छोट कुदार बनवाई की बड़ा वाला, कौनो दे दूसरा आदमी ले, कुदार कौनो दे दे। चलो 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 महाराज तुम लोग ऐसा आवा करो, चलो एक नौकर मिले सब का व्यवस्था करे के आज कम से कम। आओ महाराज जाओ आओ। अरे बच्चा हाँ, अरे तो बड़े अनर्थ हो गया, यहाँ खेत हो अब यही में पोको डंडा खेलो और गन्ना गोलो। अरे पंडित जी, अरे यह एक तो तोरे पट्टीदार का लैन है, ऐसा तो इन्हें कुदार दे दे गन्ना गोड़े और तू दोनों जने चकुरी निकालो बताइए। जाओ भैया, जाओ महाराज जाओ, टाइम ना लगाओ। हाँ जाओ, अब काम बराबर लिया नहीं तो जान लो फिर अभी 2 साल और तुम्हें लग गए। ठीक है ठीक हाँ। है ये लो पंडित जी लियो, फसे हो फसे आई नहीं लालच में फसे। अरे लालच में ना ही फसन, पूरा जवाब सही दिया ना, लेकिन वो झूठ बोल गया सेठ हमसे कहा बताइए। चलो चलो काम करो, तो काम करो, ऊपर वालू जाना था। दूसरा आवत है, आवत है, आवत है। हाँ देर बहुत होते है। अरे 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 आओ, अस्सलाम वालेकुम सेठ जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? बहुत अल्लाह का करम है सेठ जी। तो शर्त के बारे में हमें जानत हो? हाँ शर्त के बारे में जानित है सेठ जी। अच्छा दूसर का शर्त? दूसर का शर्त हमें कुछ नहीं पता है। दूसर शर्त ही है मौलवी साहब कि अगर हमारे मन के बात बताए ना पायो तो 1 साल तक हमारे यहाँ मजदूरी करे पड़ी, वो भी फ्री में। अरे दूसर शर्त के बारे में तो हमें कुछ बताइबे नहीं कि ना सेठ जी, और वकरे बाद में कौनो बात नहीं है, अल्लाह का करम है हम तुरंत बता देंगे, उसमें कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है हाँ। तो लो हम आप सोचे थे बताओ। विधायक जी काल फार्चूनर लेके आए हैं, हमारा मन कहा था कि फार्चूनर में बैठ के घूमी, आपकी गन्ना बिकाए तो पहले फार्चूनर लेके आई। हाँ तो बताओ मौलवी साहब कहा सोचे अपने मन में? अब सेठ जी सोचत ही हो कि अब की गन्ना बिकाए बस फार्चूनर ले आई। अरे बाऊ रहा हो मौलवी साहब, मैंने फार्चूनर गाड़ी में के बैठी, डिफेंडर हम ऑर्डर किया पहले ना, रॉल्स रॉयस लाओ के थोड़ा सा प्लान है कि अब की ले आई और तू वहाँ फार्चूनर में अटका पड़ा हो। ऐसा है कि हमारे मन के बात बता नहीं पाओ कल्लू, इन्हें बताओ कहाँ हम नौकरी कर रहे हैं। अरे चलो सेठ जी आज तक हमसे कौनो बात गलत नहीं निकला। अरे बात गलत होएगा, हम ऐसे क्या मतलब, ले जाओ लो भैंस के गोबर बहाओ मोल, लेके जाओ पैसे लेके जाओ। कौन फैसला है कल्लू? फैसला बहुत साफ है, चलो आए रहा यहाँ धन ले है हमारे बड़का, बहुत गलत फैसला करत है। अब और का बताए, हाय गन भैया मौलाना साहब तू हो का? अरे हम हूँ नहीं, बहुत गलत फैसला करत है सेठ जी, यका जान लो बहुत गलत फैसला कह दे मौलाना के लिए, यका जानो। चलो चलो करो, चलो चलो स्टार्ट करो भैया, लालच बहुत बुरी बला होते भैया, इतना नहीं पता है।
कल्लू आए मले आवत है कुछ और या देखो आए घोरी जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। महाराज आपन परिचय दीन जाए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो भूत वर्तमान भविष्य बता दे उसे भुरभुरी नाथ कहते हैं। अरे मलिक है? अरे ये तो बहुत बड़ा तांत्रिक है, कहूँ तुरे ऊपर जादू टोना ना कह दे बताई के पगलान घूमो। अरे सुनो कल्लू कहूँ यस ना हो यार, सुग्गा चिड़े बनाए बोतल वोतल में भर के बंद कर दे हम तो बात जाइए। वही तो ऐसे हिसाब किताब से सवाल जवाब करियो भाई। अब देखो भैया ऐसा है, अब वही कुल 80 मजूर भय है। हाँ, हाँ, अब हमें चाहिए तो सबसे ज्यादा मजूर। नहीं नहीं तो अब इन्हें लिए तो परवे करी कल्लू। चलो आएगी है लालच में, एक बात जाने रहो। हाँ, हाँ। जे लालची होते देखे भगवानो नहीं सहायता। ये बात सही कहो मालिक, अब इनसे सवाल पूछो जवाब दो। चलो गन्ना को इतना बड़ा जानकार रहे तो वे हमारे धन के लालच के आए है, धन लिए तो आए है। तो भैया धन ले आए हैं तो चले करें काम। हाँ, सही, सही कहो मालिक। अरे का सोच रहे हो, जो तुम बात कर रहे हो हमारे दिमाग में सेट हो रहा है, सब जान गए बेटा। अब बताओ भूत भविष्य वर्तमान, क्या बताऊं जजमान। अरे महाराज भूत भविष्य तो सब ठीक है, वही मन के बात वाला शर्त सब जानत हो आप। सब जान रहे हैं बच्चा, सब कुछ जान के आए हैं। जो दूसर का शर्त दिया है वो। अरे सब कुछ जान रहे हैं, नहीं तो मजदूरी करना पड़ेगा। माले ये तो बहुत बड़ा जानकार है, अब तो अब आज बाज गयो तू, आज कोई गलत आदमी पंगा ले लिया। अरे ठीक है रुको। अब ठीक है बाबा, ऐसा है कि अब समय ना व्यर्थ करते हुए मन में हम सोचित है और अपन आप बतावा जाए, फिर अपन ले राजपाट और का पूछो पूछो क्या पूछना है। कलुआ के इतना दाद हो गया है, दिन भर खबर खबर खजवावा करते है, कहूँ ये दवाई ना कराए तो इन्हें नौकरियों से निकाल दे ना, ये हमारे फैलाए दे हैं दादा। अब महाराज बतावा जाए का सोचें मन में हम अपने। ऐसा है अपने मन में अब ये सोचो है कि खजुलहा नौकर का बहुत जल्द हटावे है, एक भाई साहबा दाद होगा है, नहीं तो हमरे हो जाए। मालिक का यही सोच रहा। अरे नहीं कल्लू मने हम ये सोचित है। अरे मालिक तब वका कैसे पता कि हमरे भाई साहबा दाद है और खजुली दोनों है। तो यही सोचो रहा मालिक, झोर ना बोलो, लेकिन इतना दिन से हम तार सेवा किया और आज हमरे दाद होएगा तो हमें भगाए दे तो मालिक। तो ये बताओ कल्लू तू इलाज काहे नहीं कराओ, तो बगलिन खड़ा रहा तो अब हमरे हो जाए तो हम दिन में खबर खबर खजवाई। पैसा पैसा कहाँ दे तो मालिक। अब संजक भैया पैसा ले जाओ, जालिम लोशन लेके आओ लगाओ दाद। अब वो क्या कर बो जो सही बताई। अरे रुको इनका तो इलाज दूसरा है। कहा था महाराज ये तो हम बिल्कुल सोचब नहीं कि हम एक दाना नहीं सोचन। और जहाँ तक खजुली के बात है तो कलुआ के ना खाज है ना खौड़ा, एकरे तो आवत है दौड़ा, जैसा हम गोरखपुर ले जाबे हम 2-3 दिन में यहाँ देखा। असंभव असंभव, कभी वर्तमान भूत भविष्य गलत नहीं हो सकता भुरभुरी बाबा से। बाबा सुनो इधर आओ बताई। चलो ऐसा है हाथा ले लो पानी खेते में उलचो, अब वही काम है और कुछ नहीं। भिंडी भिंडी वाला सिंचाई करवाओ और प्याज भरवाओ। जाओ महाराज यह काम है आपका। ए भो तो भविष्य काल सब तहार निकली बाद में। चलो कहा पंडित जी तू धन छकावे आए रहे भैया। कहे भैया तू धन ला छकावे आए रहा। अरे यार हमारे साथे तो होएगा धोखा नहीं तो धन तो ले लेते। अरे तो हमारे साथे होएगा धोखा नहीं धन तो हम ही ले लेते। मौलवी तो हर का मैटर है भैया। अरे हमारे साथे बहुत बड़ा धोखा भा भैया। अरे ढोलपुर में राजू के लड़का का ब्याह नहीं होत रहा, जौन बताए दिन ये तारीख में हुई वही तारीख में उनका ब्याह भवा। अरे छोड़ो ये लड़का बच्चा पैदा करावे वाले मौलवी हुए, कहूँ सच्चाई बतावे वाले थोड़ा हुए। हम तो जौन बताए दिन आज तक हर बातें सही निकला, तुहे बताई दी कि का होए वाला है तो वही हो जाए। देखो ऐसा है, अरे भैया दो दिन तू आओ बाबू। हाँ बताओ भैया। भैया बताओ। देखो ऐसा है फंस तो गवा गा बहुत बुरियम, अब ये सेठ है हरामी। हाँ, हाँ। हम लोग सारा बात सही बतायन और वो बात एक मानिस ना है, और लालित के टक्कर में हम लोग गवा गा फे कुछ जुगाड़ करे पेरी। बिल्कुल जुगाड़ करो, हमारे लोग तो भैया 10-5 दिन और बचा है, हमारे लोग तो एक साल पूरा होए वाला है। तो कौन जुगाड़ किन जाए भैया, तुम्हें कोई बताओ। ज्ञानी तो महान सभे हो, सभे ज्ञानी है कोई, लेकिन कोई ज्ञान तो चल नहीं पाए। चल पाए अब एक ऐसा आदमी तलाश करो जो सबसे बड़ा बहु रहा है, ठीक है, वही उन्हें सबक सिखाई पाई और हमरे तोरे मान नाई है। अब चलो वका हेरा जाए। चलो चलो, हाँ, चलो चलो तुम निकलो। हाँ, अब काम खत्म होगा, आज खाना वाना ना खावा जाए। आज चलो खाली वका हेरा। चलो 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 चलो।
अरे पंडित जी, अरे ये कवन मूर्ख हो कि जौने डोंगे बैठा है वही काटे बहाय देता है। ये बड़ा बहु रहा हेरिया ना मिली है। बहुत सही बहुत सही। आप बताओ सामने न अपने बैठा यही का पकड़ ले। अरे भैया, अरे अरे के हो बाबू, नीचे आओ भैया, नीचे आओ। का भैया का भाई? अरे अरे आओ, काम है तो नीचे आओ। बताओ तो राजा बनाई दे, राजा नीचे तो उतरो। राजा रुका भाई, जल्दी बगलिया का फेंकी नीचे। आ जा आ जा, आओ आराम से आओ। अरे मौलवे साहब उतार लो तो। आ जा। अरे रुको मौलवी साहब रुको। आ जा। अरे आओ, हम गिलाय ना दे, अब लुक ले भाई। आ जा, छोड़ दे छोड़ दे। हां राजयोग लिखा है सीधा सीधा। अरे मैंने बुद्धिमान ना होते तो जौने ठाही बैठा रहे वहाँ ठाही कटते। देखो आज तक कोई करबे नहीं की थी काम। हम बुद्धिमान है ना? बहुत बड़ा बुद्धिमान तू हो। ऐसा है भैया, तू है हम एक बात बतावे जाई थे। अच्छा। अगर जो मेरे कहे थे वही मेरे कह ले गयो तो जान लो राजयोग तेरे हाथ में होगा। राजा हो जाबो। राजा तू चर चर रानी अगले बगले नौकर चाकर बढ़िया गोदाम खाना पीना था। अरे बस 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 महाराज, आप देर ना करो, अब चलो। अरे तो समझाए तो इधर आओ, सबे सलाह करें जैसे। इधर सुनो। हां सुनो। अरे हम तो कुलिया ही समझ गए। कुल्हाड़ी लाओ। मालिक हो, हमें साड़ी ले दो, नैहरे जाए के हमारे भाई के बियाह ठना है। कच्चा किया है काम, एक समय पर ना आवा करो भाई, तुम्हार साड़ी वाड़ी ले जाए। क्या बताओ कल्लू, बताओ हुआ सब काम चलता है? मालिक सबका काम अब लगा दिया है, संझा भरे हम 4 बीघा गन्ना गोल के तब यहाँ घर। हाँ वही कहे भाई, देखो सबका खाना पानी का टाइम रहा। अरे भोजन भी तो चाहे। लौंडा लेके आयन है ये, बहुत बड़ा ज्ञानी है। जवन सोच ले बो तुरंत बताई दी, 2-4 बात और नवा बताई दी। चलो ठीक कर लो, एक मजूर और बढ़ा। ठीक है और कहा, पूछ लो तेर जी जोन पूछे को। ठीक है लो, सोचित है मन में। बताओ भैया का सोचन। बस 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 सेठ जी, हम जान गए। अरे अभी का अभी तो जब सोचो तब सोचो, हमेशा 24 घंटा आप यही बात सोचा करत हो। अपने मेहरारू कलामा आप कोई का गलत नजर से देखता ही ना हो, और जोन आपके साली ही उन्हें तो आप गलत नजर से कब्बो ना देखे हो। उन्हें ही सोचत हो कि अगर मैं रक्षा बंधन अगर आवे बांध है तो बनवाई लेबे उनसे। अरे अरे कब का का तू का कहत हो? का कहत हो? ये सही है सोचत हो। अरे यही अरे यही कहाँ यही जोन है कब? अरे सेठ जी अब गड़बड़ाएगा, अगर झूठ बोलबो तो सेठाइन पकड़ी है मई है, और अगर सही बताओ तो तुहार गद्दी गवाह जान लो पूरा। रुको सेठाइन का समझाई थे ना, तो सब धन संपत्ति चला जाए बात का। देखा वैसा है ये, हम कहाँ सोचे नहीं जोन है अब कहाँ सोचे हो? अरे अरे सोचन है भाई। ओहो हम ही ना कहते, तू बात का ना समझती हो, हमें बोले दो। देखो हम समझे थे कुल ही बात कही है, तो हम मनम काव चला करत है हर। अरे काव चला करत है तो क्या का ताकत है और बताए दो कि नहीं क्या का ताकत है? हां तो बताबो वहां कि क्या हो गई ताकत है। अरे तो वही का नहीं समझती हो बात का, शांत रहो, तू घर में जाओ। अरे हम कुल समझे तो आज हम सुन के जा पाए। हां तो हमके सामने फैसला हो। बोलो चाचा बोलो फट दे भाई के, मैंने रात एक बलंग मारे खा दिया हूं। ए कल्लू का कहते हो मैंने जोन है? ठीक है भैया यही सोचत रहना, और का ले तू अब राजकाज पाइब अब पता चली। ठीक है सोचत रहे यही यही सब सही है। जियो गाने जियो जियो बेर। अच्छा जे कुर्ते छोड़ो, बताई कुर्ते छोड़ो पहले। हां बैठो ले राजा तो बनने वाला है। बैठो बैठो कागज पत्र का तैयारी करे सेठ जी। अरे का कहा था ये सभी? ऐसा है सेठ जी, अब कपड़ा अपन सब उतारो यही लगे। अरे कपड़ा काहे उतारे सरपंच हम? अरे कपड़ा तो उतारे परे सेठ जी।
जाते कहा मतलब हम लोग उनका भैया तो गड़वाए। अरे कल्लू तो अरे बचाओ भैया का करिए। अरे इधर मालिक हमार बैठे इधर हम छाता लगाए और का कह सकी था बड़का बुद्धिमान बनत रहे। अरे बदल का गया मालिक जैसा कि हम तो भाई सेवा करे काम है हमार तो जे मालिक ते का सेवा करे नौकर आदमी का सेवा करे। चलो भैया भाई का जूता निकाल दो जूता 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 निकालो जूता मौलवी जी। हां कुदार हाथ है कुदार दो कुदार दो। चलो खेत में चलो रास्ता बता दे कौन से मां बोल रहा है। चलो 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 चलो